कि जान ही चुके हैं कि हमारे घर की छत से आपने जैसा के चांद की शक्लों का बहुत मुशाहिदा किया और उसमें आपने ये देखा कि रोजाना चांद की आपको मुख्तलिफ किस्म की शक्लें आपको नजर आ रही है। तो हमारे सबक का आखिरी नुक्ता है चांद की शक्लें। तो आइए हम उसी के बारे में पढ़ते हैं कि चांद की मुख्तलिफ शक्लें किस तरीके से वजूद में आती है या किस तरीके से हमें नजर आती है। प्यारे बच्चों, चांद के तुलू होने का रोजाना का वक्त मुख्तलिफ होता है। रोजाना एक मखसूस वक्त पर चांद को देखे तो वो हर रोज आसमान में अलग अलग नजर आता है। इसकी शक्ल भी हर रोज बदलती है। जिस दिन चांद गोल और चमकदार नजर आता है, इस दिन को पूनम की रात कहते हैं। इसके बाद 15 दिन तक चांद का रोशन हिस्सा कम कम होता जाता है। 15वीं दिन चांद नजर नहीं आता। इस दिन को अमावस की रात या अमावस कहते हैं। अमावस के बाद 15 दिन तक चांद का रोशन हिस्सा बढ़ता जाता है और अगले पूनम को वो फिर गोल और चमकदार हो जाता है। हर रोज चांद की मुख्तलिफ शक्लें हमें दिखाई देती है। इन शक्लों को चांद की शक्लें कहते हैं।